अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमने लेक्चर पढ़ना था वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुका था जब हमने कंपैरिजन पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल का। तो ये डाउन सेल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है। कहते हैं मैनुफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम द फ्यूज NaCl। ये बात मैं तकरीबन पहले कर चुका हूँ, इसको थोड़ी सी दोबारा से डिटेल समझाऊंगा आपको। कहते हैं ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल मोल्टन सोडियम मेटल इज़ ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl इन द डाउन सेल। डाउन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये वाला सेल बनाया था और इसने सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया था, यानी सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, इसमें से Na को सोडियम को इसने अलहदा किया था क्लोरीन से। तो इसके लिए उसने एक सेल बनाया था, वो भी इंडस्ट्रियल स्केल पर, यानी छोटे लेवल पर नहीं बनता, इंडस्ट्रियल स्केल पर ही होता है और टनस के हिसाब से इसके यानी बहुत बड़ा इसका मैन्युफैक्चर होता है। तो दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैवी इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और केमिकल रिएक्शन हमारे पास होता है, या फिर किसी भी केमिकल को हम अलहदा भी कर सकते हैं। दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज़ अ सर्कुलर फर्नेंस, एक सर्कुलर जो है हमारे पास ये फर्नेंस है, किस्म के तंदूर या फिर भट्टी जिसे कहते हैं। इन द सेंटर देर इज़ अ लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट, बिल्कुल दरमियान में इसके अंदर एक ग्रेफाइट का लार्ज ब्लॉक है, यानी कि बिल्कुल दरमियान में एक ब्लैक कलर का, या ग्रेफाइट कहते हैं या फिर कार्बन कह सकते हैं, विच एक्ट एज एनोड, यानी दरमियान में जो मौजूद कार्बन है ब्लैक कलर का उसको हम एनोड कह सकते हैं। वाइल कैथोड इज़ अराउंड इट्स मेड अप ऑफ आयरन, जबकि इसके इर्द गिर्द जो कैथोड है वो आयरन से बना होता है। मैं इसकी आपको पिक्चर दिखा देता हूँ जी, ये पिक्चर आपने बनानी भी है और इसको समझना भी है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल ब्लैक कलर का जो है, ये मैंने पहले बताया था ग्रेफाइट या फिर कार्बन कहते हैं इसको, ग्रेफाइट एनोड या फिर कार्बन एनोड है। और ये हमारे पास जो अंदर है ये आयरन से बना हुआ है, लोहे का बना हुआ कैथोड है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड जो हमने, जिसमें से सोडियम को हमने अलहदा करना है, NaCl इस जगह से ऊपर से डाला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जाते ही अब Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह हमारे पास कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, वो हमारे पास कैथोड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब जो हमारे पास Na जो पॉजिटिव हिस्सा है, ठीक है, Na जो पॉजिटिव हिस्सा है वो सीधा इस कैथोड की तरफ चला जाएगा, क्योंकि Na के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और Na इधर चला जाएगा, Na इधर जाएगा तो पीछे से जाके यहाँ पर हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा। इसे जहाँ जो क्लोरीन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अंदर से जाके सीधा इस प्लस वाली जगह पे जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे जाते ही गैस बन जाएगा और गैस यहाँ से हमारे पास दोबारा ऊपर रिमूव हो जाएगी, या फिर हम उसे कलेक्ट करना चाहेंगे तो कलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लिखा है, कहते हैं वर्किंग कैसे करता है, जैसे मैंने भी बताया वर्किंग यही है, यहाँ पर इसी की डिटेल लिखी हुई है। कहते हैं द फ्यूज्ड NaCl प्रोड्यूस Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, फ्यूज़ का मतलब होता है मोल्टन, यानी कि पिघली हुई हालत में NaCl। तो हमने NaCl जो होता है Na प्लस, वही बात है, जो Na और Cl डालेंगे Na प्लस बन जाएगा और Cl नेगेटिव आइन, विच माइग्रेट टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट शुरू कर देते हैं, यानी इसको भी हमने तारों से जोड़ा होता है, इसको भी तारों से जोड़ा होता है, इलेक्ट्रिक करंट शुरू कर देते हैं, तो जैसे ही ऊपर से NaCl हम गिराते हैं तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड और कैथोड की तरफ चल पड़ते हैं। द इलेक्ट्रोड आर सेपरेटेड बाय स्टील गॉज टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोडक्ट। जो कहते हैं ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड जो हैं ये आपस में एक दूसरे से हमने किससे बचाए हुए हैं, बीच में एक ये देखें ये एक जो लाइन लगी हुई है ये एक स्टील की बनी हुई जाली है, गॉज कहते हैं जाली को, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये दोनों जो हैं सोडियम मॉलिक्यूल यानी हमारे पास इलेक्ट्रो एनोड और कैथोड जो होते हैं वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, दूर रहते हैं। कहते हैं द क्लोरीन यानी Cl नेगेटिव आइन आर ऑक्सीडाइज टू गिव द Cl2 गैस एट द एनोड। जो Cl नेगेटिव आइन है वो यहाँ पर आके इस पे आएगा तो यहाँ पे हमारे पास Cl2 गैस बन जाएगा एनोड पर। इट कोलेक्ट ओवर द एनोड विद इन एन इन्वर्टिड कोन शेप स्ट्रक्चर, और ये इन्वर्टिड कोन शेप यानी उलट की हुई कोन की शक्ल, कोन वो होती है हमारे पास जो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर पास नहीं पड़े होते कोन्स वगैरह, कोन आप जानते ही हैं, इन्वर्टिड करके रखा हुआ हो तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास कलेक्ट होता है। वाइल Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव का क्या होगा, Na पॉजिटिव आर रिड्यूस, ये रिडक्शन होगी इसकी, एट द कैथोड एंड मोल्टन Na मेटल फ्लोट्स ऑन द डेंस मोल्टन साल्ट मिक्सचर फ्रॉम वेयर इट इज़ कलेक्टेड इन द साइड ट्यूब। हमारे पास ये यहाँ पर रिड्यूस होते हैं यानी यहाँ रिडक्शन होती है, इसके बाद ये मोल्टन शक्ल में होता है और यहाँ पर हमारे पास Na मेटल की शक्ल में साइड ट्यूब में हासिल हो जाता है। फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये रिएक्शन करके दिखा देते हैं आगे जी। यहाँ पे हमारे पास अब इनकी हमने टोटल हमने रिएक्शन करना है,
इसमें सबसे पहले हमारे पास मोल्टन एन ए सी एल आयोनाइज, आयोनाइज का मतलब आइंस किस तरह से बनते हैं। जब हमारे पास ऊपर से इनलेट से, जब हमने यहाँ से ऊपर इनलेट से एन ए सी एल जब पुट किया, अंदर एंटर किया, तो टू एन ए सी एल यानी दो एन ए सी एल थे। रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी हाफ रिएक्शन उधर जा रहा है, हाफ रिएक्शन उधर जा रहा है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। टू एन ए पॉजिटिव, ठीक है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर हो जाता है सी एल टू के ऊपर, या टू सी एल लिखते हैं, टू सी एल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक हो गया। अब क्या एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, वहाँ पर होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैंने आपको पहले बताया था, ऑक्सीडेशन इज़ लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, दो जो क्लोरीन ये वाले जो बने हैं, क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पर आएंगे सी एल टू गैस की शक्ल में बन जाएंगे, और साथ हमारे पास दो ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, यानी कि लूज़ हो जाएंगे इस क्लोरीन से। अब यही दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करके जाएंगे सोडियम के पास, जो कि टू एन ए पॉजिटिव की शक्ल में, टू एन ए पॉजिटिव की शक्ल में इसी के पास जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन इसे मिलके हमारे पास टू एन ए बना देंगे, ठीक हो गया। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिल के क्या बनाते हैं, हमारे पास रिडोक्स रिएक्शन बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टू एन ए सी एल, वही वाला टू एन ए सी एल जो हमारे पास आयोनाइज हुआ था। आयोनाइज होने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई थी, एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना था, सी एल टू बन गया था, और हमारे पास साथ टू एन ए बन गया था, जो कि मेटल की शक्ल में था, यानी लिक्विड की शक्ल में था। यहाँ पे हम लिक्विड भी लिख देता हूँ, लिक्विड की शक्ल में था। ये ओवरऑल रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को आपने बार बार रिपीट करना है, इसकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है और मुझे इसको चेक कराना है।